जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो आंसर की आया है उसके बाद अब जो बातें निकल के आ रही है, अब किसका वेट हो रहा है, तो अब वेट हो रहा है हमारे किसका, तो ये है आपका रिजल्ट का। अब रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की तो आ गया, सभी को नंबर भी पता चल गया, लेकिन अब जो कसमकस है वो किसकी है, तो आपका रिजल्ट की है कि रिजल्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही हम बात करेंगे आज कि रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, रिजल्ट जो है कब तक जारी हो सकता है, और हमारा जो आपका ये आपका जो कौन सा है टाइपिंग और साइको है ये कब स्टार्ट होगा, यानी जो हमारा टाइपिंग पोस्ट होगा साइको पोस्ट होगा वो कब तक स्टार्ट हो सकता है और कितने दिन का हम लोग को टाइमिंग मिलेगा ताकि हम साइको के लिए प्रिपेयर हो सके, चाहे फिर आप टाइपिंग के लिए प्रिपेयर हो सके। इन दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो आप प्रिपेयर हो सकते हो इन दोनों के लिए। तो कितना टाइम है वही हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे आपका कौन कितने कितने लेवल का है, आपका लेवल 2, 3, 5 हम तीनों को डिस्कस करेंगे। आपका एनटीपीसी रिजल्ट लेवल 2, 3, 5 टाइपिंग एंड साइको कब होगा, और क्या ये ग्रुप डी के बाद हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा संशय है कि क्या ये ग्रुप डी के बाद होगा, यानी जो अभी ग्रुप डी चलेगा आपका जुलाई के बाद क्या होगा, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, यानी 2 महीने तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा, और सितंबर तक समझिए कि आपके पास जो है रेलवे को कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या सितंबर के आसपास ही आपका टाइपिंग हो सकता है या फिर साइको हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि यह क्या ग्रुप डी के बाद, अब जो भी होगा ये ग्रुप डी के बाद ही होने का चांसेस है, इधर तो कोई चांस नहीं है, यानी आप लोगों को एक अच्छा अच्छा खासा गैप मिल सकता है अगर देखा जाए तो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, अभी एनटीपीसी रिजल्ट का देखेंगे हम, दो दो तीन छः दो तीन और पाँच सॉरी। देखिए क्या हुआ था कि जो लेवल 6 का जो रिजल्ट आया था, मैं पहले लेवल 6 के पास जाऊंगा कि लेवल 6 का जो हमारा जो एग्जाम डेट हुआ था वो आपका 8 से 9 जून के बीच हुआ था, 8 जून और 9 जून के बीच में हुआ था, और ये जो हुआ था आपका आंसर की आपका कम से कम 5 दिन के बाद आ गया था। तो 8 से 9 जून को एग्जाम हुआ, और उसके बाद 13 से 14 मई को, ये जून नहीं है सॉरी, ये आपका मई है, तो 8 से 9 मई को एग्जाम हुआ था, और 13 से 18 मई को यानी 4 दिन बाद आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इतने दिन यानी आपका 3 से 4 दिन लगा था, 4 दिन लगा था आपका आंसर की देने में। उसके बाद जो है रिजल्ट जो है 8 जून को दिया था, रिजल्ट कब दिया था 8 जून को दिया था, यानी 18 मई के बाद 8 जून का लगभग आपका 20 से 25 दिन ये लिया था, जो कि आपको रिजल्ट देने में 20 से 25 दिन का ये टाइम लगाया था, यानी आपका यहाँ एग्जाम डेट से आंसर की 3 दिन में दे दिया, 3-4 दिन में, और आपको 20 से 25 दिन लगा था आपको आपका रिजल्ट देने में। तो सेम कंडीशन यहाँ भी होगा कि लेवल 2, 3, 5 का जो रिजल्ट देगा उसमें भी सेम टू सेम क्या किया था, आपका 2, 3, 5 लेवल के लिए एग्जाम दिया था, कब कब, 12 जून से 17 जून के बीच में एग्जाम दिया था। तो ये तो ठीक है कि 12 से 17 जून में लिया था, 12 जून को 2 शिफ्ट में लिया था, 17 जून को 3 शिफ्ट में लिया था, और टोटल जो आपका 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, टोटल जो है 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और ये सब तो आपको पता ही होगा। आंसर की हमारा आ गया था 22 से 27 जून को, ठीक है, हमारा एग्जाम हुआ 12 से 17 को हुआ, अब यहाँ पे 5 दिन में हमारा यहाँ पे आपका आंसर की दे दिया, तो आंसर की दे दिया तो आप सबको अपना नंबर पता चल गया, आंसर की दे दिया 5 दिन में। उसके बाद जो है अभी रिजल्ट कब तक दे सकेगा, रिजल्ट आपको कितना देगा, अभी अगर यहाँ से हम बात करें, अगर उस हिसाब से अगर बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है आपका, लगभग 20 से 25 दिन है, 20 से 25 दिन के गैप लेगा, और यहाँ पे आपका रिजल्ट देने में 20 से 25 दिन करेगा, अगर 20 से 25 दिन करता है तो आपका 20 से 22 जुलाई को रिजल्ट दे देगा, कब से, 20 से 22 जुलाई को आपको रिजल्ट देने का चांसेस पूरा पूरा बन जाता है कि 20 से 22 जुलाई यानी जुलाई लास्ट वीक में आपको किसी तरह से रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, और आपको पता चलेगा कि आप साइको दे रहे हैं या फिर टाइपिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है कौन से नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका लेवल 6 का आएगा, उसके बाद लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद लेवल 4 का आएगा, उसके बाद लेवल 3 का आएगा, उसके बाद लेवल 2 का आएगा, ऐसे करके रिजल्ट दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद पता चलेगा हमारा कि टाइपिंग और साइको क्या होगा, टाइपिंग साइको कब होगा, क्या हो सकता है आफ्टर ग्रुप डी एग्जाम, क्या हो सकता है आफ्टर ग्रुप डी एग्जाम के बीच में भी ले सकता है, और या फिर आपका ग्रुप डी के बाद ही ले सकता है। तो और इंग्लिश वर्ड आपको पता है कि इंग्लिश टाइपिंग जो आपका 30 वर्ड पर मिनट है, तो 30 वर्ड आपको डालना है पर मिनट, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ होने वाला है। तो यहाँ पे वही मैं बताने वाला कि टाइपिंग के लिए क्या हो सकता है, टाइपिंग के लिए आपको टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो आप डिपेंड करता है कि रेलवे वाले पे कि क्या ये यहाँ पे होगा कि आफ्टर ग्रुप डी के एग्जाम के बाद लेता है कि पहले लेता है। जहां तक देखा जाए कि ग्रुप डी के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि यही एक फेयर होता है, क्योंकि इसके पास टाइम होगा, ग्रुप डी के एग्जाम ग्रुप डी में आपका पूरा बिजी होगा, पूरा आपका टाइपिंग के लिए कंप्यूटर चाहिए, आप पूरा कंप्यूटर कहाँ बिजी होगा, ग्रुप डी में बिजी होगा, तो यहाँ पे तो चांसेस बहुत कम है कि ग्रुप डी के पहले जो है ये आपका टाइपिंग लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रुप डी और साइको भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, तो यहाँ पे आप दोनों ही आप देखिए, 1 दिन का तो एग्जाम होता है, लेकिन ये मुझे मेरे ख्याल से आपको ग्रुप डी के बाद ही लेगा।
तो ग्रुप डी के बाद आप सोच सकते हैं कि आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा ग्रुप डी एग्जाम के लिए, और यहाँ जाके सितंबर में जाके, आपको टाइपिंग SI को का ऑफर आएगा। और टाइपिंग कितना करना है आपको, देखिए टाइपिंग मैं बता देता हूँ कि देखिए जो भी आपकी अभी जो स्टूडेंट जो है न्यू होंगे और अभी अभी टाइपिंग स्टार्ट किए होंगे, तो उनकी मेरे ख्याल से उनको जो है इंग्लिश टाइपिंग करना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू हिंदी टाइपिंग। आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं कि आपको हिंदी टाइपिंग अच्छा लगता है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक हो तो आप कोशिश कीजिए कि 30 वर्ड पर मिनट है तो इंग्लिश टाइपिंग आप ले सकते हैं। वैसे हिंदी टाइपिंग, हिंदी का टाइपिंग भी आपको कितना दे रखा है, हिंदी टाइपिंग में आपको 25 वर्ड पर मिनट दे रखा है। 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी टाइपिंग, 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग दे रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ है आपका, मैंने बताया था कि ऑलरेडी कट ऑफ मैंने डिसाइड कर दिया था कि डिसाइड नहीं मतलब कि बता दिया था कि कट ऑफ कितने जा सकते हैं। गुड्स गार्ड लेवल 5 का, लेवल 4 का, लेवल 3 का, लेवल 4 तो नहीं, लेवल 5 और लेवल 3 का, जो कि आपका टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों कोर्स है। ये आपका गुड्स गार्ड है नॉन टाइपिंग कोर्स है, और इसका जो कट ऑफ बताया था मैंने कि अनरिजर्व कैटेगरी में 79 से 83 जा सकता है, EWS कैटेगरी में आपका 72 से 75 जा सकता है, OBC कैटेगरी में आपका 73 से 77 जा सकता है, SC कैटेगरी का बात करते हैं तो SC कैटेगरी का 69 से 72 जाएगा, और ST कैटेगरी आपका 65 से 68 जा सकता है। तो गुड्स कार्ड का आप देख सकते हैं कि आपका कम कम जा सकता है, स्पेशली जो है आपका इलाहाबाद जोन में, इलाहाबाद जोन में गुड्स कार्ड की 1400 वैकेंसी है, जो कि वहाँ पे अगर पूरा चांसेस है कि वहाँ पे क्या होगा आपका कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में। तो अनरिजर्व कैटेगरी आपका 79 से 83 हो जाएगा, EWS कैटेगरी का 72 से 75 हो जाएगा, OBC कैटेगरी आपका 73 से 77 तक जा सकता है, और SC और ST का आपका, SC का आपका 69 से 72 और ST का आपका 65 से 68 के बीच में रह सकता है। अगर बात करें जोन वाइज कटअप के हिसाब से, तो जोन वाइज कटअप के हिसाब से देखा जाता है इलाहाबाद, मुंबई और बेंगलुरु, उसके बाद सिकंदराबाद, चंडीगढ़, तो इसका जो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको जो जाएगा वो आपका 72 से 75 जा सकता है, फिर इसका EWS कैटेगरी में 62 से 65 जा सकता है, और OBC कैटेगरी में 65 से 67 जा सकता है। आप एक चीज़ यहाँ पे बताएं, आप हमको आप जरूर क्वेश्चन क्लियर करेंगे कि आपका 72 से 75 जो है अनरिजर्व कैटेगरी में कैसे जा सकता है, क्यों इसलिए जा सकता है क्योंकि इलाहाबाद जोन जो है आपका, यहाँ इलाहाबाद जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया, बेंगलुरु जोन हो गया, यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, वैकेंसी लगभग नहीं तो आपका इलाहाबाद जो कहीं एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 1400 के आसपास वैकेंसी है। अगर 1400 के आसपास वैकेंसी है तो यहाँ पे 700 से 800 वैकेंसी जो आपका किसका है, आपका अनरिजर्व का है। 800 वैकेंसी अगर अनरिजर्व का है, समझिए कि आपका और भी आपका जो लेवल फाइव में जो आपका सीनियर कमर्शियल कम है, ये भी आपका 700 के आसपास वैकेंसी है। यानी आप इन दोनों टर्म को ही देख लीजिएगा ना, तो यहाँ 1500 वैकेंसी हो जाता है, और 800 अगर आपको इलाहाबाद के लिए, आप गुड्स कार्ड के लिए अगर आपको चाहिए, तो आपको एक मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल करना पड़ेगा जिसका है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि आपका बहुत ही लोग इसमें A2 मेडिकल में आपका फेल होंगे। क्यों फेल होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों जो है, आप देखिए कितने भी होंगे, मान लीजिए कि आपके कितने स्टूडेंट दिए होंगे, आपके जनरल कैटेगरी में होंगे, आपको मान लीजिए कि हम 50,000 मार के चलते हैं, 50,000 मार के चलते हैं, तो यहाँ पे अगर 20% जो आजकल के स्टूडेंट है उनके क्या लगा, चश्मा लगा हुआ है, तो जो तो ग्रुप डी वाले में आपके ग्रुप डी कराऊँ मैं, तो जो आपका जो यहाँ पे गुड्स कार्ड हो गया, तो यहाँ पे A2 कर रही है, तो यहाँ पे चश्मा जो है अलाउ हो सकता है, लेकिन जो बिना चश्मा अलाउ नहीं है, बिना चश्मा का आप जाएंगे तो यहाँ पे A2 कैटेगरी में चांसेस 100 आपका 80% चांसेस है कि ग्रुप डी वो लड़का जो है आपका A2 कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर पाएगा और वो फेल हो जाएगा। अगर A2 कैटेगरी फुलफिल नहीं होता है, A2 कैटेगरी फेल होता है, तो आप गुड्स कार्ड में भाग नहीं ले सकते हैं, गुड्स कार्ड के लिए आपका दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो यही बात है कि इसलिए क्या हो रहा है कि आपका गुड्स कार्ड के लिए A2 कैटेगरी हो जा रहा है, A2 स्टैंडर्ड मेडिकल कैटेगरी स्टैंडर्ड कैटेगरी माना जा रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, आपका बहुत सारे स्टूडेंट जो है A2 कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे और वहीं वो क्या होंगे, छट जाएंगे। साथ में क्या होगा कि कुछ लोग जो है आपका टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे, और वो टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाता है आपका इलाहाबाद जोन का जो 1400 वैकेंसी आपका गुड्स कार्ड का, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फुलफिल होगा 72 से 75 के आसपास में आ सकता है उसका, ठीक है। आप मोटा मोटी आप +-2 कर सकते हैं, +2 यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 75 से 77 कर सकते हैं, इतना से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। फिर आपका जो EWS कैटेगरी में आपका 62 से 65 जा सकता है, OBC कैटेगरी में 65 से 67 जा सकता है, और ST कैटेगरी में आपका 58 से 61 जा सकता है, और ST कैटेगरी में 55 से 58 तक जा सकता है आपका गुड्स कार्ड जोन वाइज कैटेगरी है आपका
इसके हिसाब से अगर बात करते हैं अजमेर जोन का, अजमेर जोन का, मालदा जोन का, अहमदाबाद जोन का, जम्मू जोन का, ये सब जोन थोड़ा सा आपका जो है मॉडरेट लेवल में आते हैं, और इसका जो कट ऑफ जाएगा आपका 70 से 75 जा सकता है। ईडब्ल्यूएच जो आपका 62 से 65 जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी जो है आपका 67 से 70 जा सकता है। आपका एससी कैटेगरी 65 से 66 जा सकता है, और आपका एसटी कैटेगरी आपका 60 से 65 जा सकता है। तो ये तो हुआ आपका कहाँ का, अजमेर का, मालदा का, अहमदाबाद, जम्मू का हो गया। आपका 70 से 75 और नीचे हो जाएगा 62 से 65 ईडब्ल्यूएस हो जाएगा, 67 से 70 ओबीसी हो जाएगा, एससी का 62 से 66 और आपका एसटी का 60 से 62 हो जाएगा। और हम बात करते हैं अगर भोपाल का, भोपाल का, पटना का, मुजफ्फरपुर का, त्रिवेंद्रम का, ये आपका हाई रिस्क जोन है, हाई रिस्क एरिया है, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है यहाँ भी बढ़ेगा, और आपका 68 से 75 के ऐसा अनरिजर्व कैटेगरी का हो सकता है, और 62 से 65 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाएगा, 65 से 68 जाएगा ओबीसी का जाएगा, और आपका एससी का जाएगा 58 से 62 जा सकता है, और एसटी का आपका 53 से 56 जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से जोन वाइज जो कट ऑफ हो सकता है आपका किसका, तो ये आपका लेवल 235 का हो सकता है देखा जाए तो। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ बता ही दिया हूँ कि आपका जो, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो टाइपिंग और साइको के लिए आपको टाइम देखना है कि टाइम कब क्या ले सकता है, क्या ग्रुप डी के बाद लेगा, तो ये अभी आप देखेंगे। तो चांसेस है कि ग्रुप डी के बाद ही लेगा, और ये लेवल 6 का जो हुआ था एग्जाम हुआ था 8 से 9 जून हुआ था, और ये 3 से 4 दिन में आपका आंसर के दे दिया था, और उसके 25 दिन बाद जो है 20-25 दिन के बाद आपका 8 जून को रिजल्ट दे दिया था। यही सेम टू सेम केस, यही केस क्या होगा आपका, आपका लेवल 235 का होगा, जो कि आपका लेवल 235 का होगा, और ये जो है आपको क्या करेगा, आपका 12 से 17 जून को हुआ था, 15 सीट में एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो है 4 दिन के बाद जो है आपका 22 से 27 जून के लिए आपको आंसर की जारी किया गया था, और आंसर की जारी होने के बाद 20 दिन बाद क्या होगा, 20 से 22 जुलाई आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे रिजल्ट देगा लेवल 235 के लिए रिजल्ट देगा। उसके बाद जो होगा घटना होगा, कौन सा घटना घटेगा, आपका टाइपिंग का घटेगा और आपका साइको घटेगा, ये दोनों ही केस आ जाएगा तुरंत आपके रिजल्ट के बाद ही, और उसके बाद जो है जुलाई में ही आपका, याद रखिए जुलाई के लास्ट वीक में आपका ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई के लास्ट में आपका क्या होगा, ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होगा, और ये जो ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा 2 मंथ तक चलेगा, 2 मंथ तक चल सकता है आपका ग्रुप डी का एग्जाम, ठीक है। तो अगर जुलाई में स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है, और देखते हैं अगर ग्रुप डी के बीच में ही ले लिया था एग्जाम, लेकिन आपको अच्छा खासा यहाँ पर टाइम मिल जाएगा इंग्लिश आपको टाइपिंग के लिए, टाइपिंग और साइको के लिए अच्छा टाइम मिलने वाला है, क्योंकि बीच में ग्रुप डी एग्जाम आ जा रहा है। फिर यहाँ पे जो जोन वाइज मैंने बता दिया था गुड्स कार्ड का वैकेंसी, और यहाँ पे लेवल देखिए मैंने कुछ पोस्ट भी क्या बताया है, जैसे गुड्स कार्ड का हो गया, मैंने स्पेशली हर जोन का बताया हूँ, फिर जो आपका सीनियर कमर्शियल कम का टिकट का भी बताया हूँ, और लेवल 3 का जो आपका जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका भी मैंने आपको कट ऑफ यहाँ पे दे दिया है। इसका मैंने आपका रेलवे NTPC के नाम से एक आपका वो बनाया हूँ, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे जोन का आपका कट ऑफ मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, रेलवे NTPC का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आप उसको आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा एक व्यू था, थोड़ा सा हम लोग दिए थे व्यू कि आपका NTPC रिजल्ट है लेवल 235 आपका कब तक हो सकता है। तो आप भी देखिएगा, बताइएगा कि क्या क्या सच में ग्रुप डी के बाद हो सकता है, ये चांसेस बन रहा है, क्योंकि ये चांसेस हो सकता है कि ग्रुप डी के बाद ही ले सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।